क्या आप ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं तो आप खुश हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि सनी लियोनी आपकी क्लास में आपकी क्लासमेट बन जाए और आप लोग साथ में पढ़ाई करें। सोशल मीडिया पर तो कुछ ऐसा ही दावा किया जा रहा है कि कोलकाता के कॉलेज की मेरिट लिस्ट में सनी लियोनी को भी एडमिशन की जगह मिल गई है। तो क्या सच में सनी कोलकाता से अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने वाली हैं? अब जल्द ही सनी लियोनी कहलाएंगी बीए पास। सनी के पास इंग्लिश ऑनर्स की डिग्री होगी। ऐसा कहने के पीछे वजह क्या है ये भी जान लीजिए। कोलकाता के एक कॉलेज की इस मेरिट लिस्ट को ध्यान से देखिएगा। मेरिट लिस्ट में पहला नाम सनी लियोनी का ही है। तो क्या सच में सनी लियोनी बीए की पढ़ाई करने वाली हैं? क्योंकि लिस्ट में तो उनका नाम टॉप पर है। सोशल मीडिया तो इस लिस्ट को देखकर फूले नहीं समा रहा। सनी लियोनी के नाम वाली मेरिट लिस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। सही कहते हैं, पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती। अब सनी को ही देख लीजिए, कोलकाता से बीए करने जा रही हैं। अब कोई सेलिब्रिटी कोलकाता के कॉलेज में पढ़ने आएगी तो कॉलेज और सोशल मीडिया पर हल्ला हंगामा तो होना ही है। सनी लियोनी का नाम आशुतोष कॉलेज की मेरिट लिस्ट में, वो भी बीए इंग्लिश ऑनर्स के लिए। कोलकाता वालों के लिए खुशखबरी है। वायरल हो रही लिस्ट में सनी की एप्लीकेशन आईडी और रोल नंबर भी है। गौर से देखिएगा, लिस्ट के मुताबिक उन्हें 12वीं के बोर्ड परीक्षा में 4 विषयों में 400 में से 400 अंक मिले हैं। तो क्या सच में सनी लियोनी कोलकाता में पढ़ाई करने वाली हैं? पड़ताल करने पर हमें सनी लियोनी के ट्विटर हैंडल से किया हुआ ट्वीट मिला, जिसमें लिखा गया है, चलिए अगले सेमेस्टर में मिलते हैं, दुआ करती हूं कि आप सब मेरी क्लास में होंगे। लेकिन ये ट्वीट तो मजाक में लिखा गया है। सच जानने के लिए हमने कोलकाता के आशुतोष कॉलेज से संपर्क किया। कॉलेज ने न्यूज 18 इंडिया को सफाई देते हुए बताया, सनी लियोनी का नाम मेरिट लिस्ट में आना किसी की शरारत की वजह से हुआ है। किसी ने जानबूझकर सनी लियोनी के नाम से गलत आवेदन भेजा। कॉलेज ने गलती सुधारने के लिए संबंधित विभाग को कहा है, साथ ही कॉलेज प्रशासन घटना की जांच भी करेगा। सनी लियोनी का नाम आशुतोष कॉलेज में ही नहीं, पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के बजबज कॉलेज की मेरिट लिस्ट में भी आया। बीए इंग्लिश ऑनर्स की 157 छात्रों की मेरिट लिस्ट में सनी का नाम 151वें नंबर पर है। दो दो कॉलेज की मेरिट लिस्ट में ही नाम आने पर सनी लियोनी ने मजाकिया अंदाज में ट्वीट किया है। इससे पहले साल 2019 में बिहार में जूनियर इंजीनियर की परीक्षा में टॉप करने पर सियासी घमासान मचा था। नीतीश सरकार के मंत्री को सफाई भी देनी पड़ी थी। यूं तो सनी लियोनी की जिंदगी के बारे में किसी से कुछ नहीं छिपा है, और अक्सर कई बार उन्होंने पब्लिक मंच पर यह कबूल किया है कि उन्होंने मेडिकल क्षेत्र में नर्सिंग की पढ़ाई की है। मतलब साफ है कि कॉलेज होगा, क्लास भी होगी, लेकिन उस क्लास में सनी लियोनी नहीं होंगी। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में यह वायरल खबर गलत साबित हुई है। हमारे देशों में नोटों पर किसकी तस्वीर है? आप कहेंगे ये क्या बात हुई, महात्मा गांधी के और किसकी? सोशल मीडिया पर एक नोट की तस्वीर वायरल है, जिसमें महात्मा गांधी नहीं भगवान गणेश की तस्वीर है। आखिर इस खबर की सच्चाई क्या है? क्या भारत में नोटों की नई सीरीज आने वाली है? इस नोट पर कुछ अलग दिख रहा है आपको?
नोट के मुख्य भाग पर गणपति की तस्वीर है। कहां की तस्वीर है ये? वायरल तस्वीर में इसके बारे में भी लिखा है, इंडोनेशिया। इस नोट के बारे में लिखा गया है, दुनिया का एकमात्र देश जिसके नोट पर भगवान गणेश की तस्वीर है वो दुनिया का सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया है। गणपति बप्पा मौर्या। इंडोनेशिया में करीब 87.5% आबादी इस्लाम धर्म को मानती है। वहां सिर्फ 3% हिंदू आबादी है। बावजूद इसके क्या इंडोनेशिया में भगवान गणपति की पूजा होती है? अगर नहीं तो क्या भगवान गणेश की तस्वीर एडिट करके तो नहीं लगा दी गई? या फिर द नीदरलैंड्स की राम मुद्रा की तरह ये भी कोई कूपन है जो किसी खास जगह ही चलाया जा सकता है? तो क्या सच में भारत से करीब 9000 किलोमीटर दूर इंडोनेशिया में ऐसी करेंसी चलती है जिस पर भगवान गणेश की तस्वीर छपी हो? हमने इसकी पड़ताल शुरू की। पड़ताल के दौरान हमें 20,000 के इस नोट का वीडियो भी मिला। पड़ताल आगे बढ़ाने पर पता लगा कि इंडोनेशिया में भगवान गणेश को कला, शिक्षा और विज्ञान के देवता के तौर पर माना जाता है। इस नोट पर गणपति के साथ इंडोनेशिया के शिक्षा मंत्री की भी तस्वीर है, जबकि पीछे वाले हिस्से में क्लासरूम की फोटो छपी है जिसमें छात्र और शिक्षक की तस्वीरें हैं। इंडोनेशिया में करेंसी को रुपया कहते हैं और कुछ साल पहले इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से पटरी पर से उतर गई थी, जिसके बाद वहां 20,000 रुपया का नोट जारी किया गया था जिस पर भगवान गणेश की तस्वीर छापी गई। इसको छापने के पीछे आर्थिक चिंतकों का मानना था कि इससे अर्थव्यवस्था फिर से मजबूत हो जाएगी। जब मैं मिनिस्टर था तो मैंने वहाँ के इंडोनेशिया के मिनिस्टर से पूछा, ये गणपति कैसा लगा दिया आपने? वह कहा कि 1997 में हमारी करेंसी गिर रही थी और कोई उपाय दिखाई नहीं, तो एक बाली से एक पुजारी आए, उन्होंने कहा कि गणपति के चित्र लगा के एक नोट छापो, रुक जाएगी। अब सब ट्राई कर गया, कुछ नहीं हुआ, तो हमने कहा इसको ट्राई करेंगे और छापा और गिरना रुक गया। खास तरह के ये नोट इंडोनेशियाई सरकार ने साल 1998 में जारी किए थे। गणपति की फोटो वाला 20,000 का इंडोनेशियाई नोट 10 साल तक प्रचलन में रहा। इसके बाद साल 2008 में इसे बंद कर दिया गया। भारतीय मुद्रा में इस नोट की कीमत 100 रुपए से भी कम है। गणपति के अलावा मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया पर रामायण की भी गहरी छाप है। राम कथा इंडोनेशिया की सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न हिस्सा है। एक मुस्लिम बहुल देश जहां रामायण मंचन और नोट पर गणपति की तस्वीर भले ही हैरान कर देने वाली बातें हैं, लेकिन इंडोनेशिया अपनी इन सांस्कृतिक पहचान के साथ बहुत सहज है। साफ है, इंडोनेशिया ने अपनी करेंसी नोट पर गणपति की तस्वीर तो छापी थी, लेकिन अब यह मुद्रा चलन से बाहर हो गई है। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल हो रहे नोट पर गणपति की तस्वीर सही पाई गई है। सोशल मीडिया पर बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की एक तस्वीर वायरल हो रही है,
जिसमें सिंधिया हाथ में चप्पल पकड़े दिख रहे हैं। इसी तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लोग सिंधिया पर तंज कस रहे हैं कि कैसे एक राजे रजवाड़े के खानदान से संबंध रखने वाला व्यक्ति हाथ में चप्पल लिए घूम रहा है। आखिर इस तस्वीर की सच्चाई क्या है? नीले रंग का कुर्ता पैजामा पहने इस शख्स को तो आप पहचानते ही होंगे, लेकिन बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के हाथ में चप्पल क्यों है? अठारह साल कांग्रेस में बिताने के बाद मार्च 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उनके समर्थकों ने सिंधिया के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने को मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई बताया। इसी मान सम्मान को हथियार बनाकर सोशल मीडिया पर लोग वायरल तस्वीर के जरिए सिंधिया पर निशाना साध रहे हैं। ग्वालियर में हाथ में चप्पल लिए महाराज को देखकर लोग पूछ रहे हैं, क्या इसी सम्मान के लिए कांग्रेस छोड़ी थी? ज्योतिरादित्य सिंधिया के हाथ में चप्पल क्यों है? क्या उन्होंने अपनी ही चप्पल हाथ में ले रखी है? यह भी हो सकता है कि तस्वीर एडिट करके सोशल मीडिया पर वायरल की गई हो। हमने वायरल तस्वीर की पड़ताल शुरू की। पड़ताल करने पर हमें वायरल हो रही तस्वीर का पूरा वीडियो मिल गया। आशीर्वाद प्रदान करके आदेशित करें कि आज आपके समक्ष अपना चप्पल ग्रहण करें या प्रदोष सिंह तोमर को यहाँ आमंत्रित करें। वीडियो में ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रद्युम्न सिंह तोमर को चप्पल पहनने के लिए स्टेज के सामने बुला रहे हैं, जो खाली पैर ही स्टेज के सामने आ जाते हैं, जिन्हें ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चप्पल पहना। अब सवाल ये कि आखिर प्रद्युम्न सिंह तोमर हैं कौन, जिसे सिंधिया चप्पल पहना रहे हैं, और वजह क्या है? जवाब के लिए हमने मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा से बात की। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने संकल्प लिया था, उस संकल्प को मध्य प्रदेश की दुरावस्थावादी जो सरकार थी उसके खिलाफ उसने संकल्प लिया था, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और ग्वालियर में जब ये कार्यक्रम हुआ, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गए, तो आदरणीय ज्योतिरादित्य जी ने आह्वान किया कि भाई अब आपके संकल्प पूरे हो रहे हैं, और आप जो नंगे पैर रहने का संकल्प लिया था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने और आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने उनको चप्पल पहनाई। दरअसल मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री और ग्वालियर के पूर्व विधायक प्रद्युम्न सिंह तोमर ने संकल्प लिया था कि जब तक उनके इलाके के लोगों की दिक्कतें दूर नहीं होती, तब तक वो चप्पल नहीं पहनेंगे, नंगे पैर रहेंगे। प्रद्युम्न सिंह तोमर उन नेताओं में से एक थे जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन दल बदल कानून की वजह से उनकी विधायकी खत्म हो गई। फिर दोबारा शिवराज सरकार बनने पर तोमर को मंत्री बना दिया गया। 22 अगस्त को ग्वालियर में हुई बीजेपी की सभा में भी प्रद्युम्न सिंह तोमर बिना चप्पल के पहुंचे थे, जिसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंच पर तोमर को चप्पल भेंट कर उनका संकल्प तोड़वाया। वायरल तस्वीर ठीक उसी समय खींची गई जब ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रद्युम्न सिंह तोमर को चप्पल पहनाने जा रहे थे। खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी 22 अगस्त को ट्वीट कर घटना की जानकारी दी थी। साफ है, वायरल तस्वीर से सिंधिया के अपमान का कोई संबंध नहीं। सिंधिया ने चप्पल जरूर हाथ में उठाई, लेकिन ये उन्हीं की सरकार के मंत्री के लिए थी जो कुछ महीनों पहले तक कांग्रेस का हिस्सा थे। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल हो रही तस्वीर तो सही है, लेकिन उसके साथ किया जा रहा दावा गलत है।
जब से नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट की नई नोटिफिकेशन जारी हुई है, तभी से सोशल मीडिया पर इसका अलग अलग तरीके से विरोध किया जा रहा है। खासकर ट्विटर पर तो अलग अलग तरीके की तस्वीरें ही वायरल हैं, जिसे नीट परीक्षार्थियों का विरोध बताया जा रहा है। लेकिन सच क्या है? इन तस्वीरों को देखकर लग रहा है कि देश में कितनी दिक्कत है, बहुत मुसीबत है, आफत ही आ गई है। अब इन तस्वीरों के साथ जो मैसेज वायरल है वो भी देख लीजिए। परीक्षा केंद्रों पर ये तो हालात हैं और सरकार चाहती है यहां परीक्षा आयोजित कराई जाए। चार तस्वीरें और हजारों सवाल, क्या सच में 7 सितंबर को होने वाली नीट परीक्षा केंद्रों पर यह हाल है? हमने एक एक तस्वीर की पड़ताल की। पहली तस्वीर की पड़ताल। तस्वीर में एक डूबा हुआ स्कूल दिख रहा है। हालात सच में बहुत खराब हैं। लोग कमर तक पानी में डूब के आ जा रहे हैं। लेकिन इस तस्वीर की सच्चाई भी उतनी ही है जितनी कि ये डूबा हुआ आदमी, यानी ये आधा सच है। पड़ताल करने पर हमें इससे मिलती जुलती एक और तस्वीर मिली जो कि 2016 में ली गई। प्रयागराज की तस्वीर में वो स्कूल भी है, डूबा हुआ पेड़ भी है, यानी वो सब कुछ है जो वायरल तस्वीर में है। पहली तस्वीर का दावा गलत निकला। दूसरी तस्वीर की पड़ताल। महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन निगम की बस बारिश के पानी में डूब चुकी है। कार तो चलने की हालत में नहीं है, देखिए कैसे एक आदमी कार के ऊपर बैठा हुआ है। तस्वीर की पड़ताल करने पर हमें वायरल हो रही तस्वीर न्यूज 18 की वेबसाइट पर मिली। हमारी वेबसाइट पर इस तस्वीर को 29 अगस्त 2017 को पब्लिश किया गया था, यानी इस तस्वीर को भी गलत दावे के साथ वायरल किया गया है। तीसरी तस्वीर की पड़ताल। शहर का ओवरब्रिज पानी पानी हो गया है। बाइक अपने नहीं, अपने सवार के पैरों पर रास्ता पार कर रही है। मुसीबत की यह स्थिति कहां की है? पड़ताल करने पर हमें यह तस्वीर एक न्यूज वेबसाइट पर मिली। तस्वीर के साथ 4 अगस्त 2019 की तारीख है, यानी लगभग एक साल पहले की तस्वीर को अभी की बताकर वायरल किया जा रहा है। इस तस्वीर के साथ किया गया दावा भी गलत है। चौथी तस्वीर की पड़ताल। चौथी तस्वीर तो ज्यादा खतरनाक है। रास्ता तो दिख नहीं रहा, शायद यही वजह है कि रास्ते पर कोई नजर भी नहीं आ रहा। इस तस्वीर की पड़ताल करने पर पता लगा कि यह तस्वीर भी साल 2019 की ही है, यानी इस तस्वीर के साथ किया गया दावा भी गलत निकला। सोशल मीडिया में तमाम ऐसी तस्वीरें डाली जा रही हैं और कहा जा रहा है कि ये वो छात्र हैं जो इम्तिहान देना चाह रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वो सारी खबरें पुरानी हैं। जैसे दिखाया गया कि कहीं बाढ़ की वजह से पानी भरा हुआ है, लेकिन वो पिक्चर 2016 की है, 2017 की है। तो इस प्रकार की तमाम चीज़ें सोशल मीडिया पे चलाई जा रही हैं। मेरा सभी छात्रों से ये कहना है कि आप इन लोगों के प्रोपेगेंडा में ना आएं, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। चार दावे तो फेल हो गए, लेकिन ये ट्वीट तो सन्न कर देने वाला है। एक ट्वीट में लिखा गया कि उसके पिता को कोरोना हुआ है, ऐसे में वो कैसे परीक्षा में बैठ सकता है। सचमुच बहुत ही गंभीर मामला है। ट्वीट करने वाले ने अपने पिता की जांच रिपोर्ट भी ट्वीट की है। रिपोर्ट वाकई कोरोना पॉजिटिव शख्स की ही है। इस ट्वीट की भी पड़ताल करते हैं। रिपोर्ट को ध्यान से देखने पर हमें जांच एजेंसी का नाम लिखा हुआ दिखा। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी के बारे में पड़ताल करने पर पता लगा कि ये तो भारत में है ही नहीं। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी तो पाकिस्तान के लाहौर में है। इसके बाद हमने वायरल हो रही रिपोर्ट को गौर से देखा। रिपोर्ट के नीचे की तरफ लाहौर लिखा हुआ है। तो क्या नीट की परीक्षा देने परीक्षार्थी लाहौर भी जाएंगे? ऐसा संभव तो नहीं है।
साफ है ये सब 7 सितंबर 2020 को होने वाली नीट परीक्षा को रोकने की ही कवायद है जिसके लिए सरकार ने विशेष प्रबंध करवाए हैं। कर्नाटका में, केरला में, गोवा में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कराए गए, 11वीं और 12वीं के इम्तिहान कराए गए, तमाम अन्य प्रदेशों में भी इस प्रकार के जो एंट्रेंस टेस्ट हैं वो करवाए गए। उन सभी एंट्रेंस टेस्ट में इन सारे प्रिकॉशंस को फॉलो किया गया। भारत सरकार किसी भी सूरत में ये नहीं चाहती कि छात्रों के लिए ये साल जीरो ईयर घोषित हो। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल हो रही ये रिपोर्ट भी गलत साबित हुई है।